हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक पेन फोन। तो जैसा देख सकते हैं मेरे हाथ में ये पेन फोन है, ये दिखता भी पेन की तरह है और एक्चुअल में ये पेन है भी। तो जो ये फोन है वो है ब्लैकबेयर कंपनी का, इसका मॉडल नंबर है A1। ये दो कलर में अब आता है, एक ब्लैक और दूसरा सिल्वर। इसकी जो ऑनलाइन प्राइसिंग है तकरीबन आपका 2800-2900 रुपये ऑनलाइन लिस्टेड है, लेकिन ऑफर में आपको 1500 से लेके 2000 के बीच में मिल सकता है। तो अभी फिलहाल मेरे पास सिर्फ ये पेन है, इसका बॉक्स जो है वो मेरे पास नहीं है। इसके बॉक्स में आपको ये हैंडसेट मिलता है, एक बैटरी मिलती है, इसके अलावा माइक्रो यूएसबी केबल मिलता है इसको चार्ज करने के लिए, और इसके अलावा उसमें एक यूजर मैनुअल भी दिया गया है। इसमें आपका 64 MB रैम लगा हुआ है, इंटरनल स्टोरेज जो है वो 32 MB का है। आपका यहाँ पे डायल पैड्स और स्क्रीन वगैरह दिए गए हैं। तो ऊपर से स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ पे टॉप साइड में आपका माइक्रो यूएसबी पोर्ट दिया गया जिससे कि आप इसको चार्ज करेंगे। इसके अलावा एक एलईडी लाइट भी दी गई है जो टॉर्च जैसा काम करेगा। ऊपर पे यहाँ पे आपका स्पीकर दिया गया है। इसके अलावा 1 इंच का आपका जो है डिस्प्ले दिया गया है, इसका रेजोल्यूशन है 128x160 pixels। ये VGA डिस्प्ले है। उसके नीचे ब्रांडिंग दी गई है ब्लैकबेयर करके। उसके नीचे आपका ये डायल पैड मिलता है। इसके अलावा कुछ और भी फंक्शंस दिए गए हैं, ये हम बाद में देखेंगे। नीचे यहाँ पे आपका माइक्रोफोन दिया गया है। इसके बैक साइड में यहाँ पे आपका रियर कैमरा दिया गया है जो कि 1.3 MP का है, और यहाँ पे एक आपका स्पीकर दिया गया जो प्राइमरी स्पीकर है जिससे कि आप सॉन्ग्स प्ले करेंगे या फिर FM रेडियो चलाएंगे तो वो आवाज यहाँ से आती है। नीचे की तरफ आपका पेन सेक्शन दिया गया है। आप इसको खींच के ओपन करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पेन भी दिया गया है। ये ओपन करेंगे तो आपका जो है पेन मिलता है। ये एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि इसके बॉक्स में ये इस तरह के दो निब्स और मिलते हैं, तो आपके पास टोटल 3 होते हैं रिप्लेस करने के लिए। इसका बैक साइड कुछ लिए ओपन करते हैं। यहाँ से ओपन करने का दिया गया, आप इसको बैक साइड ओपन करते हैं तो देखेंगे हमारा बैटरी दिया गया है। तो जो बैटरी है ये 550 mAh की बैटरी है। ये बैटरी तकरीबन 3 घंटे चलती है, नॉर्मल यूजेस करते हैं तो एक दिन आपका बैटरी बैकअप दे देगा। तो इसके बैक साइड में देखते हैं, सबसे पहले हमें मिलता है यहाँ पे पिन जो कि है आपका बैटरी कनेक्टर्स, उसके अलावा 2 माइक्रो सिम कार्ड्स लगने का ऑप्शन है। लास्ट में आपका माइक्रो एसडी कार्ड लगाने का ऑप्शन दिया गया है। तो ये माइक्रो एसडी कार्ड आप 16 GB तक लगा सकते हैं। तो चलिए अब इसको पावर ऑन करते हैं और देखते हैं इसका सॉफ्टवेयर। तो जिसका OS दिया गया वो आपका फीचर्स फोन OS है। इसको ऑन करने के लिए बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ से ये ऑन हो जाएगा। तो आपका स्क्रीन है, देख सकते हैं। मेनू में जाएंगे, आपको मेनू में ऑप्शन दिखेगा, फोन बुक है, कॉल सेंटर है आपका, मैसेजिंग है, मल्टीमीडिया ऑप्शन है, ऑर्गेनाइजर है, सेटिंग्स है, ब्लूटूथ डायलर भी ऑप्शन दिया गया है। इसके अलावा फिर वापस से हम जाते हैं मल्टीमीडिया में जो कि इसका मेन फंक्शन है। इसके अंदर आपका फाइल मैनेजर है, कैमरा दिया गया है, इमेज व्यूअर दिया गया है, वीडियो रिकॉर्डर दिया गया है, वीडियो प्लेबैक दिया गया है, ऑडियो प्लेबैक दिया गया है, साउंड रिकॉर्डर भी दिया गया है, और लास्ट में आपका FM रेडियो भी दिया गया है। तो अगर इसके कैमरे की क्वालिटी की बात करें तो कैमरे की क्वालिटी कुछ खास नहीं है। ऑब्वियसली इतना छोटा सा फ़ोन है तो ओके क्वालिटी देता है, लेकिन काफ़ी यूज़फुल है अगर आप इससे एक तरह से स्पाई कैमरे की तरह अगर इसको यूज़ करना चाहते हैं तो काफ़ी यूज़फुल होगा। इसके अलावा इसका साउंड रिकॉर्डर भी आपको एज ए स्पाई साउंड रिकॉर्डर आप यूज़ कर सकते हैं जो कि काफ़ी यूज़फुल और हैंडी है। इसमें अगर आपको वीडियो ऑडियो कुछ प्ले करना है तो आपको अपना माइक्रो एसडी कार्ड लगाना ही होगा क्योंकि इंटरनल स्टोरेज जो है बहुत कम है। FM रेडियो चलाने के लिए इसमें कोई भी एक्सटर्नल जो आपका हेडफोन है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये आराम से चल जाता है बिना किसी दिक्कत के। आप इसमें ट्यून कर सकते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका बटन कंट्रोल दिए गए हैं जिससे कि आप इसको रेडियो को ट्यून कर सकते हैं अलग अलग फ्रिक्वेंसी अलग अलग चैनल्स पे। तो और अगर इसकी साउंड क्वालिटी की बात की जाए तो ओके ओके साउंड क्वालिटी प्रोड्यूस करता है, बहुत अच्छी साउंड क्वालिटी तो नहीं है इस 2000 के या 3000 के फ़ोन से, इतने छोटे से फ़ोन के साथ और भी क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है साउंड क्वालिटी के मामले में। लेकिन ये एक तरह से बात की जाए कि अगर FM रेडियो तो ये काफ़ी अच्छा टच इसमें दिया गया है FM रेडियो दे करके जो कि आपका पूरा टाइम पास कर सकता है, आप इसको आसानी से सुन सकते हैं। इसमें कोई भी एक्सटर्नल हेडफोन नहीं दिया गया है तो आपको ये लाउड स्पीकर पर ही सुनना पड़ेगा। तो आप इसको एज ए ब्लूटूथ डायलर भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें ब्लूटूथ दिया गया है जिससे कि आप अपने फ़ोन को कनेक्ट कर लेंगे और आप इसको एज ए ब्लूटूथ डायलर यूज़ कर पाएंगे। इसके पहले भी मैंने एक वीडियो का रिव्यू किया था स्मॉल मिनी फ़ोन का, तो आप उसको यहाँ कार्ड पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं उस वीडियो को। उसमें भी कुछ फीचर्स मैंने मेंशन किए थे, ऑलमोस्ट वैसे ही फीचर्स इसमें भी हैं, तो कुछ आपके वहाँ एक्स्ट्रा फीचर्स दिए गए आप उसको जाके चेकआउट कर सकते हैं। इस पे जो वारंटी दी गई है वो 1 ईयर की वारंटी है। तो ओवरऑल देखा जाए इस फ़ोन की बात करें तो ऐसे तो मैं नहीं रिकमेंड करूँगा कि आप इसको डेली यूजेस के लिए लीजिए, लेकिन अगर आपको कोई एक्स्ट्रा सिम चलाना है या फिर थोड़ा सा फैंसी दिखता है आप उसके लिए ले सकते हैं। डुअल सिम ऑप्शन दिया गया, ये ज़्यादा अच्छी बात है कि आप इतने छोटे से फ़ोन में आप डुअल सिम चला सकते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए अगर आप 1500 में अगर ऑफर में आपको ये मिलता है तो ठीक है, 3000 में तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इसको लीजिए। डेली यूजर्स के लिए, टेलीफोन कॉल्स के लिए ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है।
और जैसे जैसे आप इसको यूज़ करते जाएंगे कुछ दिन में इसकी बैटरी बैकअप जो है 3 घंटे से और भी ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगी। तो इस प्रोडक्ट का लिंक नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से जाके परचेज कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर के इस बटन को दबाकर हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और घंटे के इस आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन एक्टिवेट करें। धन्यवाद।